अब ग्रुप, आ, का, से तो यूएसए नंबर दो मैच इंडिया एक कनाडा दो मैच खेली है एक, 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 एक यूएसए से हार गई और एक आयरलैंड से आज जीत गई पाकिस्तान को लग रहा था आयरलैंड कनाडा से भी जीत जाए आयरलैंड यूएसए से भी जीत जाए हम अगर इंडिया से हार भी जाए तो हम बाकी सारे मैच जीत के फिर नेट रन रेट पे बात आ जाएगी है ना

USA का मैच अभी होगा आपका पाकिस्तान के साथ सॉरी पाकिस्तान के साथ हो गया इंडिया, USA इंडिया, का हो इंडिया के साथ और यूएसए का होगा आयरलैंड के साथ इसमें इस से एक मैच तो जीत सकते हैं तो पाकिस्तान को अपने वाला इंक्लूडेड इंडिया वाला इंक्लूडेड यूएस इंडिया से जीत जाए या आयरलैंड से जीत जाए वो तीन जीत के ऊपर जा सकता है नेट जीत पे तो आप थ्रू हो थ्रू हो राइट तो अगर पाकिस्तान अब यह प्रे कर रही है कि पाक... इंडिया से यूएसए हार जाए और आयरलैंड से भी यूएसए हार जाए जो कि अभी पॉसिबिलिटी है।, है ऐसा नहीं है कि आयरलैंड यूएस को नहीं हरा सकता लेकिन जिस तरीके से यूएसए खेल रही है होस्ट कंट्री है पहले उन्होंने कनाडा को जिस तरीके से मारा फिर उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान को भी हरा दिया लग नहीं रहा कि यूएसए जो है वो कैनेडा से हारने आयरलैंड से हारने वाली है इसीलिए मैं बोल रहा हूं पाकिस्तान के लिए एक ही चांस है भाई कि वो इंडिया को हरा दे क्योंकि अगर उन्होंने इंडिया को हरा दिया फिर वो देख लीजिएगा आप आयरलैंड को भी हरा सकते हैं उसके बाद वो कनाडा को भी हरा देंगे जो कि उनको हराना चाहिए फिर वो थ्रू हो सकते हैं लेकिन कहीं इंडिया ने अगर पाकिस्तान को यहाँ पे हरा दिया तो उनका मामला नहीं इंडिया ने अगर पाकिस्तान को क्योंकि पाकिस्तान देखो उठ नहीं पाएगा कल भी उठ भी नहीं पाएगा और वैसे भी चांस नहीं होगा देखो उठ पाएगा नहीं उठ पाएगा तो बात की बात है टेक्निकली अगर हम बात करें प्रैक्टिकली देखें

काफी हद तक तो ये लोग पाकिस्तानी फैन जो हैं ये बात मान ही चुके हैं कि इंडिया वाला मैच तो हम हार रहे हैं इंडिया वाला मैच तो हम जीत नहीं रहे जिस तरीके से हम यूएसए हारे लोग बचते हैं इनके दो मैच एक आयरलैंड वाला मैच बचता है पाकिस्तान का फिर एक कैनेडा वाला बचता है तो उनको यही दुआ करनी है फिर उसके बाद अगर इंडिया से हार जाते हैं तो यूएसए जो है वो दो जीत पर ही एक सेकंड एक आदमी है अभी भी जो सोच रहा है कि पाकिस्तान इंडिया को हरा सकती है हां नहीं, हैं। सोच नहीं रहा सोच नहीं रहा मैंने ऐसा नहीं कहा आपका दावा लेकिन है कि कि अभी हरा बात हो रही थी इस चीज को लेकर चलो पाकिस्तान का चांस हा, बनता हा, क्या है ऑब्जेक्शन जरूर अगर, है। अगर अगर मैं एक सेकंड आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं मैं चाह नहीं रहा लेकिन मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान का चांस कैसे बन सकता है उस मैच में जीतने का हम कह रहे हैं अच्छा एक सेकंड कितने चांस है पाकिस्तान का जीतने का उस दिन एक परसेंट

अगर ये होता है ये तो ये मतलब कितना सकते? गिरेंगे आप पाकिस्तान को जिताने के लिए पाकिस्तान को जिताने के लिए किस हद हाँ तक आज गिरेंगे आयरलैंड ने आज सॉरी कनाडा ने पहले कितने रन बनाए एक सौ आयरलैंड से बन गए नहीं बने अगर इंडिया वैसे तो नहीं होगा अगर इंडिया की चलो पहले बैटिंग भी आ गई भगवान जी ना करें लेकिन हम 120 पे निपट भी गए ना अस्सी से पहले पहले आउट हो जाएगी पाकिस्तान अगर इतनी कंडीशन हुई ना कि इंडियन टीम की बैटिंग आधी बैटिंग भी नहीं पे जो कि बैटिंग पिच थी उनका कप्तान 43 थ्री बॉल में फोर्टी फोर रन बना रहा है यहाँ पे क्या हाल होगा भाई यहां तो खेला ही नहीं जा रहा और आपको इस पिच के बारे में पता है आपको सब कुछ एक ही चीज हो सकती है अन्य, देखो टीम वाइज ये मेरे को थोड़ा सीरियसली बोलना पड़ेगा पॉइंट <laughs> <laughs> पानी पी ले आप ठीक है। क्योंकि ना ये थोड़ा सा पेचीदा थोड़ा पेचीदा नहीं थोड़ा टची सब्जेक्ट है <laughs> देखिए एक ही चीज हो सकती है पाकिस्तान के फेवर में जो जा सकती है टीम वाइज पाकिस्तान की टीम इंडिया के सामने कुछ भी नहीं है इन कंडीशंस में पाकिस्तान की टीम कुछ भी नहीं कर सकती ना उनकी बैटिंग ना उनकी बॉलिंग कप्तानी वायद बाबर जिम जिम जिम्बा कुछ नहीं कर पाएगा सच्ची बात तो यही है लेकिन एक ही उनका चांस है जो ये भारतीय प्लेयर वहां जाके जो पता नहीं अपने अपने आप से ही मैं तो हूं शीला मैं खुद से प्यार जताऊं जो हनीमून पीरियड है ना उनका <laughs> कि कोई कहीं जाके तस्वीरें खिंचा रहा है यशस्वी जायसवाल स्टेचू ऑफ लिबर्टी के पास बैठा हुआ है ऋषभ पंत और अक्षर पटेल और यू नो सूर्य कुमार यादव ये लोग कॉफी लेने जा रहे हैं सूर्य कुमार यादव अलग से फोटो सेशन करा रहा है रोहित शर्मा अलग से फोटो सेशन करा रहा है हर बंदे की रोज तस्वीरें आ रही हैं पूरा हमारा कोचन स्टाफ यान की गेम देखने गया हुआ है कोई कहीं गुलछर्रे उड़ा रहा है कोई कहीं मजे कर रहा है मतलब यार आप ये देखिए ना कि यार का मतलब एंजॉय कर रहे हैं मतलब ये है कि आप अगर ये देखें कि वर्ल्ड कप भाई अभी तो शुरू भी नहीं हुआ और आप लोग वहां वेकेशन मूड में फिर रहे हैं जैसे कि अमेरिका पहुंचना आपके लिए लाइफ में में सबसे बड़ी अमेरिका अमेरिका भाई अमेरिका में क्या है ऐसा बताइए मुझे न्यूयॉर्क में या में अब क्या बचा है वो पुरानी 80's, 90's की बातें होती थी, थी कि अमेरिका आ गए हैं ये तो ऐसा कर रहे हैं कि मतलब अमेरिका दोबारा का नसीब नहीं होना ये एक ही चीज है जो मुझे लग रहा है कि इंडिया कैजुअली ले जाए और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए और पाकिस्तान को यह पता है कि यूएसए से हारने के बाद छितर बहुत पड़ेंगे पाकिस्तान वापस जाएंगे उनको उन्होंने उन्होंने अपने डिनर कैंसिल कर दिए अपना होटल चेंज करा लिया लिया है ना सब कुछ कर लिया, में गुमड़ी बैठे है, मैं छुप के, के सामने के रो रहे हैं सामने बैठ जा हम दिखेंगे नहीं तो हमारा कवच है बुलेट प्रूफ से भी ज्यादा प्रूफ है अब वो तो लॉक आएंगे भाई हम तो वो या शाहीन बन के आएंगे वो हमला करना है बस उस दिन जो मर्जी है पूरा अपना एफर्ट लगा दो पिच भी ऐसी है कि डेंजरस टाइप की थोड़ी बहुत है कि यहाँ पे पिच पे भी हमारे हम उनकी ताकत बोलेंगी है। हमारी बोलिंग को थोड़ा सा मदद मिल जाएगा बेटा जो जान है लगा दो आज वरना बड़े छितर पड़ेंगे तो उनका एक ही चांस है और हम हमारे रोज फोटो सेशन हो रहे हैं इंजॉयमेंट यू यू कॉफिया स्टैचू ऑफ लिबर्टी अवार्ड टोपी टोपी हमें बना रहे कप्तान यू कभी बैठ के चेयर पे यू न्यूयॉर्क स्टेट ऑफ माइंड क्या है भाई नहीं ये मेरे यहाँ पेड़ वेकेशन पे गए हुए हैं ये ट्रैवल ब्लॉगर बन गए हैं ये अमेरिका में टूरिज्म प्रमोट करने गए हैं कर क्या रहे हैं नहीं मेरे ख्याल से तो ये चलो ठीक है यूएस आप गए हो और इतनी तस्वीरबाजी और शोशाबाजी जो है वो हो रही है बट आई थिंक उसका, उसका असर जो है फर्क जो है वो ज़्यादा नहीं पड़ेगा क्योंकि आप ऑलरेडी एक मैच जीत चुके हो और पाकिस्तान वाले गेम में हाँ ये जरूर है कि अगर ऊंच नीच हो गई तो कैंपेन पर बड़ा उसका असर पड़ता है